वहाँ खर्च हुए, अगर वहाँ से 100% पैसा आए तो गए किधर, किसके जेब में गए वहाँ से निकाल। 20 साल हो गए सुपौर में ही हूँ मैं। आबिद साहब हूँ, बीजेपी से हूँ मैं। कल जम्मू था उस समय रविंदर रैना साहब के पास, जब मैंने ये वाक्य सुना है तो फिर मैंने पूरी डिटेल रविंदर रैना साहब को बताया, जो हमारे प्रेसे देखो 2005 में यहाँ बर्फानी एडजस्ट, वो इन्हीं परिवार के बच्चे होने चाहिए। क्योंकि मैं आपका लोकल हूँ, बहुत ये रोजन वोल दिलदोज सानिया है जो पेश आया 2 दिन पहले। ये हमारे परिवार के हिस्से हैं, एसटी कम्युनिटी के लोग। एक्सीडेंट में हिमाचल में 6 लोगों का जान चलना, ये क्वांड वैली के लिए सदमे से कम नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने काफ़ी योगदान यहाँ पे किया, और जो यहाँ का लोकल अवकाफ वॉल्टिंग अवकाफ है उनका यहाँ प्रेजेंट रहना, इनके साथ शाना बाशा खड़ा रहना, ये एक भाईचारे की मिसाल है। मैं यही कहूँगा जो भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज के तहत उनका कंपनसेट होना, रोड सेफ्टी एक्ट के तहत जो भी कंपनसेट होगा 4 से 5 लाख रुपया, वो सीधे इनके खाते में आएंगे। उन्हें किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग आई टॉक टू डिप्टी कमिश्नर और ड्यूकाम साहब से मेरी बात हो गई, और उसके साथ साथ 6 महीने पहले मैंने LG साहब को एक लेटर दी है जिसमें मैंने यही कहा कि ST बोर्डिंग स्कूल क्वांड वैली में होना चाहिए। जो ही यहाँ पे ST बोर्डिंग स्कूल आएगा तो उसमें इन्हीं परिवार के लोगों ने वादा किया, वो आज कहीं नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा, पर जो मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। हम यही कहेंगे 2005 में जो यहाँ बर्फानी तूफान आए, 200 से ज़ायद लोगों की जाने चली गई, अभी तक 44 क्वार्टर पेंडिंग है, जबकि गवर्नमेंट ने जो पैसे रिलीज किया 40% ग्राउंड में यूटिलाइज हुआ, 60% जो पैसे वो किन के जेबों में गया उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एंटी करप्शन का रेड होगा, और जो 44 क्वार्टर से ज्यादा यहाँ पर पेंडिंग है वो से ही कल ही जम्मू से आया हूँ। शायद आप मीडिया में वाबस्ता है तो मीडिया पूरी तरह से देखना चाहिए। मैं कल ही जम्मू से आया हूँ और रविंदर रैना साहब से जब मैंने ये दिलदोज वाक्य सुना, रविंदर रैना साहब से डिटेल्ड बात होके उन्होंने सीधा फ़ोन किया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जहाँ पे अभी भी वो इंजर्ड पेशेंट्स हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट फ्री सुविधा की बात चली। रैना साहब ने LG साहब को कहा कि ये हमारे परिवार के बच्चे हैं, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर LG साहब का ट्वीट आना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का आना, ये मुझे लगा काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस तरह राउंड द क्लॉक कल 12 बजे मैंने तहसीलदार साहब से बात की, वो यहाँ पे अलर्ट था, तो इससे मुझे पता चला, ये सही है कि नहीं, इससे मुझे पता चला DC साहब का खुद यहाँ रहना, यहाँ पे पूरी तरह मॉनिटर करना। मैं डिप्टी कमिश्नर बिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी पार्टी जो BJP पार्टी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी मदद की जरूरत है तो पूरा हम करने की कोशिश करेंगे। भाजपा के बगैर